हमने अभी तक देखा कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो वो ग्राफ पर किस किस तरह से लाई कर सकती हैं, लेकिन अगर हमें सिर्फ दो इक्वेशंस दी गई हों और हमसे पूछा जाए कि ये इनकी लाइंस जो हैं वो किस तरह से ग्राफ पर लाई करेंगी, तो ये हम सिर्फ इक्वेशंस को देख के कैसे पता लगा सकते हैं? हम इन्हें इक्वेशंस को देख के पता लगा सकते हैं। बेसिकली उसके लिए हमें एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स को देखने की ज़रूरत है। अगर हम इंटरसेक्टिंग के केस की बात करें तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो था एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर अगर मैं एक्स के कोएफिशिएंट्स को देखूँ तो वो ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन में भी वन है एंड नीचे वाले इक्वेशन में भी वन है। इनका रेशियो निकल के आएगा वन और वाई के कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकल के आएगा माइनस वन। दैट इज़ रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो इस तरह के लाइंस जहाँ पे इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं होता वो हमेशा ही ग्राफ पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब अगर मैं पैरेलल लाइंस की बात करूँ तो पैरेलल लाइंस में हमने देखा था कि हमारे पास दो इक्वेशंस थी एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर एक्स के कोएफिशिएंट्स का रेशियो वन है एंड वाई के कोएफिशिएंट्स का रेशियो भी वन है, लेकिन अगर इस केस में हम कांस्टेंट्स का रेशियो देखें तो कांस्टेंट्स का रेशियो माइनस वन बाई टू है। दैट इज़ ये एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर नहीं है। इस तरह की लाइंस हमेशा ही ग्राफ पर पैरेलल होती हैं। अब अगर हम कोइंसिडेंट लाइंस की बात करें तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस थी वो थी 2x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 12 equal to 0। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो एंड कांस्टेंट्स का भी रेशियो जो है इक्वल आ रहा है। इस तरह के लाइंस हमेशा ही कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं। इसे आप इस तरह भी देख सकते थे कि अगर आप सेकेंड इक्वेशन में हर टर्म को दो से डिवाइड कर दें तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ही मिल जाएगी। दैट इज ये दोनों लाइंस ओवरलैपिंग लाइंस हैं। अब हम इक्वेशंस के कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं। कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें तो हमें पता है कि उसमें हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और अगर हम कोइंसिडेंट लाइंस की बात करें तो वो ओवरलैपिंग लाइंस होते हैं और उसमें हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। दैट इज़ दोनों ही केस में हमें सॉल्यूशन दो इक्वेशंस की मिल रही हैं, तो इस तरह के लाइंस हमारे कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाते हैं। और अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो हमें पता है कि वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो इस तरह के इक्वेशंस को हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं।